दोस्तों, क्या आप सावन माह को मनाते हैं? और यदि आप इसका मतलब ढूंढ रहे हैं कि सावन माह क्यों मनाया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपसे इस तरह के विषयों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो यदि आप सावन क्यों मनाया जाता है, आप उसका अर्थ जानना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका हिंदी ग्रंथ चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सावन के महीने को क्यों मनाया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रावण मास को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। इसका प्रमाण मान्यता में स्थापित है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन बिताया। इसके बाद उन्होंने हिमालय के राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण मास में कठोर तप किया। वे इस मास में व्रत रखती थी, पूजा अर्चना करती थीं और भोलेनाथ के गुणगान करती थीं। इस वजह से भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रसन्न होकर उनके मनोकामना पूर्ण की। सावन मास का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस मास में पूजा अर्चना, व्रत, ध्यान और भक्ति के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव उनकी पत्नी से फिर से मिलने के कारण श्रावण मास को अत्यंत प्रिय मानते हैं। इसलिए इस महीने में अच्छे विवाहित जीवन की कामना करने वाली कुंवारी कन्याएं भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनसे वरदान मांगती हैं। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर भगवान शिव के लिए विशेष मंदिरों का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ श्रावण मास के दौरान अधिकांश भक्त इच्छाएं पूरी करने के लिए आते हैं। इस मास की आध्यात्मिक और धार्मिक महत्ता के अलावा श्रावण मास में कई त्यौहार भी मनाए जाते हैं। श्रावण सोमवार को महादेव के व्रत के रूप में मनाया जाता है और कांवड़ियों के भगवान शिव की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराकर अपने स्थान पर स्थापित किया जाता है। यह त्यौहार श्रावण मास में महत्वपूर्ण सामग्री के साथ मनाया जाता है और यह तीर्थ यात्रा के दौरान लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। श्रावण मास भगवान शिव के आराधना और भक्ति का महीना है, जब श्रद्धालु भक्त उन्हें समर्पित होते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह महीना भक्ति, संकल्प और समर्पण के लिए एक अद्वितीय और आनंदमय अवसर है। इसलिए ही हिंदू धर्म में सावन के महीने को इतना माना जाता है और सावन के महीने को पूर्ण भक्ति भाव के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको और किसी विषय या प्रश्न के बारे में जानना है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारा वादा है कि हम आपके सपने पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विश्लेषण के साथ सही और पूरी तरह सटीक जानकारी लेकर आते हैं। और कृपया कर ऐसे चैनल्स से सावधान रहें जो व्यूज के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।